आप आस्ताने की क्या बात है, आपकी सुभान अल्लाह की क्या बात है। बावाज़े बुलंद कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैं कुराने करीम विच लिखी हुई तेरी हमद रब्बुल आलमीन चुमना, तेरा हुक्म जो तेरे हबीब दसिया उस हुक्म नु नाल यकीन चुमना, तो साबर इश्क है मेरा बिलाल जैसा, हक परस्ता हक दा दीन चुमना, साईयां मजनू सगे लैला दे पैर चुमे, मैं शाहे अरब दे दर दी जमीन चुमना, साईयां मजनू सगे लैला दे पैर चुमे, मैं शाहे अरब दे दर दी जमीन चुमना। अजीजा ने गिरामी कदर मोहब्बत जब परवान चढ़ती है तो इश्क कहलाता है। इश्क क्या है, राहे इश्क च तुरना बड़ा औखा है, जे को तुरे ते यार मिला देंदा, अकल आखदी रखनी नजर नीवी, इश्क कहंदा वेखना चाहिदा है, अकल रोकदी इश्क कहंदा मत्था यार नु टेकना चाहिदा है, अकल आखदी झुके नु साम के रख अपना आप समेटना चाहिदा है, इश्क कहंदा झुके दा की करना झुगा बाल के सेकना चाहिदा है। इल्म कोलो उलमा नहीं रचदे, दरख्त नहीं रचते डालों, वैन को दरिया नहीं रचते, मस्त नहीं रचते हालों, रैयत को बादशाह नहीं रचते, शूम नहीं रचते मालों, गुलाम फरीद हर शहर जवंदी, दो नैन नर जन जमालों। इश्क क्या है, रब रब करते बुढ़े हो गए, मुल्ला पंडित सारे रब दा खोज खुरा न लब्बा, अते सजदे कर 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 हारे, रब ते तेरे अंदर वसदा अते विच कुरान इशारे, बुल्ले शाह रब उन्ना नु मिलदा जड़ा यार तो तन मनवारे, बुल्ले शाह रब उन्नू मिलदा जड़ा यार तो तन मनवारे, राहे इश्क जो टुरना बड़े औखा है, जे को टुरे ते यार मिला देंदा, लाके तख्त तो ताजा वालियां नू खाक रूपा दे नाल मिला देंदा, ते दानिश बरे कुलो अल्लाह उन जेड़े इश्क ऐसे भी नुक्ते समझा देंदा, जाली रोजे दी चुम्मन न देन लोकी, इश्क कुत्तियां दे पैर चुमा देंदा, जाली रोजे दी चुम्मन न देन लोकी, इश्क कुत्तियां दे पैर चुमा देंदा, इश्क ऊंच ते नीच नु वेंदा नहीं, मसवा जादा दे फर्क मिटा देंदा, न पीर वेखे न मुरीद वेखे घुंगरू सईदां दे पैर ही बना देंदा, आ जावे जे अपनी आयु ते जोरां वरां दी धौन पवा देंदा, ते अल्लाह इश्क नु ए तौफीक बख्शी नेजे उत्ते कुरान सुना देंदा, अल्लाह इश्क नु ए तौफीक बख्शी नेजे उत्ते कुरान सुना देंदा, ते कदी लभदे नहीं महबूब अट्टियां तों इश्क फेर भी बोलियां लुआ देंदा, अथरू इक भी निकले जे आशिकां दा अजमल रब दा अर्श ला देंदा। अज़ीज़ाने गिरामी कदर बिला ताखीर मुल्तमिसूं एक ऐसी शख्सियत, जब वो कोई भी बात कहने के लिए हजूर के सरापा की बात हो, हजूर की वल्लैल की जुल्फों की बात हो, हजूर के माजाक के नैनों का जिक्र हो, हजूर के लबो रुखसार का जिक्र हो, हजूर के कदमैन शरीफैन का जिक्र हो, नालैन शरीफैन का जिक्र हो, हजूर के यारों का जिक्र हो, हजूर के घर वालों का जिक्र हो, हजूर के चाहने वालों का जिक्र हो, करते हैं तो मुंह से फूल झड़ते हैं, और मैं कहा करता हूँ कि वली वो होता है, वली वो होता है, याद रखें वली की निशानी क्या है, वली वो होता है कि जब वो मिंबरे रसूल पे बैठ के कोई भी बात अपने मुंह से कह दे वो अगले के दिल में उतर जाए उसे वली कहते हैं, और बेशक जब ये कोई बात कहते हैं तो सुनने वाले के सीने में उतर जाती है, उसका मुकद्दर जाग जाता है सुन के। मेरी मुराद शहनशाह खिताबत खिताबत की दुनिया में दरख्शां सितारा, पीरे तरीकत रहबरे शरीयत सूफी बासफा साहबजादा गुलाम बशीर नक्शबंदी साहब मद्दजिलो आली ज़ेबो ज़ीनत आस्तान आलिया बाबली शरीफ, आपसे बड़े अदब के साथ मुल्तमिस हूँ। हजरत आप तशरीफ लाकर अपने माज़े हसना से हमारे सीनों को मुनव्वर फरमाएं। आप अहबाब अहले सुन्नत के खादिम हैं, नौकर हैं, जाने अहले सुन्नत सरमाया अहले सुन्नत को पेश कर रहा हूँ, बुलंद आवाज़ से नारा सुना दे, नारे तकबीर नारे रिसालत, गवाह मदीने की हर गली है जिधर भी देखो अली अली, नारे हैदरी नारे तहकीक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह الذي هدانا لهذا
وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الله عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله معزز و محتشم علماء کرام مہمانان ذی وقار برادران اسلام حاضرین و سامعین اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے آج اس عظیم الشان ایمان افروز روح پرور بابرکت محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ گنبد خضرا سے رحمت کی گھٹا اٹھی ہے اور اس مسجد کے میناروں سے ٹکرا کے حاضرین کے دلوں پر برس رہی ہے۔ میزبان محفل جناب عاشق رسول خاک پائے اولیاء محب اولیاء حاجی محمد زمان صاحب اور ان کے رفقاء مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے بڑے اخلاص اور محبت کے ساتھ اس محفل کا انتظام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام منتظمین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج کی اس محفل میں مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے معراج تصوف، تصوف کی معراج۔ تو چند گھڑیاں آپ احباب کے سامنے اس موضوع پر گفتگو کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ کے دوران میں نے قرآن مجید کے جو کلمات مقدسہ تلاوت کیے ہیں ان میں اللہ تعالی نے مقصد رسالت کو بیان فرمایا اور مومنوں پر احسان جتلایا ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، البتہ تحقیق اللہ نے بڑا احسان فرمایا مومنوں پر کہ ان میں اپنا رسول بھیج دیا ہے۔ اب اس رسول جو بڑی شانوں والا رسول ہے ان کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کے رسول مومنوں پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم اور انہیں پاک کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ مقاصد رسالت میں سے ایک مقصد ہے ویزکیہم، کہ حضور لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں، ان کے باطن کی صفائی کرتے ہیں۔ تو حضور کے آنے کا مقصد جو ہے وہ ہے لوگوں کے دلوں کو صاف کرنا، لوگوں کے دلوں کو صاف کرنا۔ ذرا مسجد میں بیٹھ کے صاف گوئی کا اظہار کرتے ہوئے حضور کی عظمت کا اعلان کر دیں،
कोई जर्मनी की अदालत में नहीं बैठे हुए, गुजरात की मस्जिद में है। वो हमारी मिल्लत का एक जवान था जो जर्मनी की अदालत में भी ललकार के अजमत रसालत बयान करता रहा। तो आप अपने घर बैठ के, अपने शहर में बैठ के इस तरह आहिस्ता बोलें तो ये मोहब्बत को जेबा नहीं है। जरा अपने इश्क और मोहब्बत का इजहार करते हुए हजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए लोगों के बातिन को पाक करने के लिए। तो हजूर की आमद के जो मकासिद हैं उनमें से एक मकसद है दिलों को साफ करना, बातिन की सफाई, बातिन की पाकीजगी। आज बाज लोग तसव्वुफ के लफ्ज से डर गए और तसव्वुफ का इनकार करने लगे, और बाज ने कहा कि तसव्वुफ अफियून है, भंग है, जिसका लोगों को नशा हो जाता है। मैं नाम नहीं लेता कि किस शख्स ने यह लिखा है, क्योंकि पाकीजा माफल में मैं उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहता जो तसव्वुफ पर इतराज करते हैं, लेकिन चाहता हूं कि उनके इतराज का जवाब दे के ही तसव्वुफ की मेराज बयान करूं। मकासदे रसालत में से एक मकसद है लोगों के बातिन को साफ करना, लोगों के बातिन को पाक करना, साफ करना। अब तसव्वुफ का मकसद क्या है, तसव्वुफ की किताबें उठा के देखें तो कवायदे तसव्वुफ में हजरत इमाम अहमद ज़ूरक रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने लिखा है कि तसव्वुफ वो इल्म है जिसके जरिए दिलों को साफ किया जाता है, और दिलों को अल्लाह की मोहब्बत के लिए खास किया जाता है। इनसे आगे चलें तो आज की कॉन्फ्रेंस का जो नाम है उसके साथ मिलती जुलती एक किताब भी है, मेराज तशव्वुफ इला हकायक तसव्वुफ, अल्लामा इब्ने उजैबिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखी है। इस किताब के सफा नंबर 4 पर तसव्वुफ की यह तारीफ लिखी गई है कि तसव्वुफ वो इल्म है जिसके जरिए अल्लाह ताला की बारगाह तक रसाई, बातिन को रजाइल से पाक करने और अच्छी सिफतों से आरास्ता करने का इल्म हासिल होता है। तसव्वुफ की इब्तदा है इल्म, वस्त है अमल, और इंतहा है इनायत खुदाबंदी। मैं इल्मी मुश्किल गुफ्तगू में नहीं जाना चाहता, तसव्वुफ की 10,000 से ज्यादा किताबें उठा के देख लें, उन तमाम में तसव्वुफ की तारीफ पढ़ के देख लें तो एक ही तारीफ सामने आएगी कि तसव्वुफ का मकसद है दिल को अल्लाह की मोहब्बत के लिए साफ कर देना, दिल को अल्लाह की जात के लिए, अल्लाह की मोहब्बत के लिए। पीर बुल्ले शाह साहब कसूरी ने भी फरमाया, फड़ नुकता छोड़ हिसाबानू, छड़ दोजख गोर अजाबानू, कर साफ दिले दिया खाबानू। पीर बुल्ले शाह साहब कसूरी ने भी तसव्वुफ की तारीफ अपने लफ्जों में यही लिखी कि फड़ नुकता छोड़ हिसाबानू, छड़ दोजख गोर अजाबानू, कर साफ दिले दिया खाबानू, कर साफ दिले दिया। और हजरत ख्वाजा मोहम्मद पारसा रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा, फरमाते हैं कि तसव्वुफ ख्याल की पाकीजगी का नाम, 2,000, 5,000 या फिर दीगर मुहक्किकीन के नजदीक 10,000 से ज्यादा तसव्वुफ की किताबों को उठा के देख लें, तसव्वुफ की एक ही तारीफ सामने आएगी कि दिल को अल्लाह की मोहब्बत के लिए साफ कर लेना, रजाइल से साफ कर लेना, फजीलतों से आरास्ता कर लेना। अब मुझे ये बताएं हजूर के आने का मकसद क्या था, दिल को, लोगों के बातिन को। तो मेरी तकरीर का सारा मरकज और मैवर यही जुमला है कि जो मकसद रिसालत है वही मकसद तसव्वुफ है, जो मकसद रिसालत है, जिस मकसद के लिए मेरे और आपके आका दुनिया में तशरीफ लाए हैं, जिस मकसद के लिए हजूर दुनिया में तशरीफ लाए हैं वही मकसद तसव्वुफ का मकसद है। बाद लोग कहते हैं हजूर के जमाने में, जाहिरी जमाने मुबारका में, ये तसव्वुफ का लफज मुरवज नहीं था।
सहाबा अपने नामों के साथ सूफी नहीं लिखते थे, तसव्वुफ का लफ्ज सहाबा के जमाने में नहीं था, ये बाद का लफ्ज है, लिहाजा बिदत है। अब अगर कोई आदमी ये कहे कि सहाबा ने अरबी जुबान नहीं सीखी तो हम भी ना सीखें, आप उसको क्या समझते हैं कि आमक है या नहीं? अगर कोई ये कहे कि सहाबा ने अरबी जुबान नहीं सीखी तो हम क्यों सीखें, मुझे ये बताएं सहाबा को अरबी जुबान सीखने की जरूरत थी? वो तो मादरी तौर पे ये जुबान जानते थे, वो तो पैदाइशी तौर पे ही अहले अरब थे और अरबी जुबान को जानते थे। जब सहाबा पैदाइशी तौर पे अरबी जुबान जानते हैं, उन्हें अरबी जुबान किसी से सीखने की जरूरत नहीं। इसलिए तसव्वुफ उस माहौल में रचा बसा था। हजूर के तो आने का ही मकसद दिलों को पाक और साफ करना था, इसलिए जो हजूर की महफल में ईमान के साथ एक दफा भी बैठ गया, हजूर ने उसे फना बका की सारी मंजिलें तय करवा दी। इसलिए उसे फना और बका की मंजिलों का अलहदा से तालीम देने की जरूरत नहीं कि ये मुराकबा अहदियत है या ये मुराकबा फना है या मुराकबा बका है या मुराकबा रोयत है, जिसका जिक्र तसव्वुफ की किताबों में मिलता है। हजूर की बारगाह में इन मनाजिल को अलहदा से तय कराने की जरूरत नहीं, क्यों? इसलिए कि जो एक बार भी ईमान की हालत में हजूर की महफल में बैठा, हजूर ने उसे ये सारी मंजिलें तय करवा दी। आप, मैं मजीद आसान करके इस बात को बयान कर रहा हूं, आप ये देखें कि तसव्वुफ की हकीकत क्या है। लफ्ज कोई भी बोल लें, चाहे तसव्वुफ, चाहे मर्तबा एहसान, चाहे तस्विया अखलाक, चाहे तज़किया नफ्स, इन लफ्जों में से कोई लफ्ज भी बोल लें, ये देखें हकीकत क्या है। मेरे सामने मेज पर सेब पड़ा हुआ है, मैं कहता हूं सेब है, फतेहपुर से हाजी नासिर साहब बैठे हैं, ये कहते हैं फल है, कौन गलत है और कौन सही है? जी दोनों सही है। मैं कहता हूं सेब है, ये कहते हैं फल है, दोनों का माना सही है, गलती पर कोई भी नहीं। देखना तो यह है कि जो हकीकत ये बता रहे हैं वो हकीकत मेरे लफ्ज में भी है या नहीं है। गौर तो उस हकीकत पे करना है। लफ्ज तसव्वुफ का बोल लें, लफ्ज मर्तबा एहसान का बोल लें, लफ्ज तस्विया अखलाक का बोल लें, लफ्ज इसलाह नफ्स का बोल लें, लफ्ज तज़किया नफ्स का बोल लें, लफ्ज कोई भी इनमें से बोल लें, देखना यह है कि तसव्वुफ की हकीकत सहाबा में पाई जाती थी या नहीं। तो तसव्वुफ की हकीकत या तसव्वुफ की मेराज क्या है, उसे इकबाल ने यूं लिखा है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे खुदा तेरी रजा क्या है, खुदा बंदे से खुद पूछे बता, बंदा इतना ऊंचा हो जाए कि अल्लाह उससे पूछे ऐ बंदे तकदीर मैंने लिखनी है पर तेरी रजा के मुताबिक लिखनी है। तसव्वुफ बंदे को उस मेराज पे पहुंचा देता है। अब मैंने इसकी दलील हजूर की जाहिरी जमाने मुबारका से देनी है। गजवाए तबूक का मौका है, तसव्वुफ को पहले मैंने हजूर के जाहिरी जमाना से फिर औलिया से बयान करना है। और ये मैंने जो तमीद रखी है कि आप हकीकत पे गौर करें, लफ्ज कोई भी बोल लें, लफ्ज जिन लोगों को तसव्वुफ का अच्छा ना लगे वो तसव्वुफ के अलावा कोई और लफ्ज पसंद कर लें, लेकिन उस हकीकत पे तो गौर करें। फिर कशफुल माजूब पढ़ के देखें तो आपको यही लफ्ज पसंद आएगा कि उस हकीकत पे ये लफ्ज ही मुनासिब मालूम होता है। गजवाए तबूक का मौका है, हजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को सदका और खैरात की रगबत दिलाई है। सहाबा इकराम अपने अपने घरों में गए, सैयदना फारूक आजम घर का आधा सामान उठा के लाए, पर सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अनहो, जिनका जिक्र हजरत दाता साहब ने कशफुल माजूब के पहले बाब में किया है, तसव्वुफ का बाब, आज से पौने 1100 साल पहले वो मर्दे दरवेश जिनके दरवाजे पर ख्वाजा ख्वाजगां भी 40 दिन एतकाफ बैठे, वो मर्दे दरवेश जिनके कदम लगे तो पंजाब की जमीन जिंदा हुई है। इकबाल कहते हैं सैयद हजवेर मखदूमे उमम मरकद ऊ पीर संजर रा हरम, खाके पंजाब अज दमे ऊ जिंदा गश्त सुबह मा अज मेहरे ऊ तबिंदा गश्त। हजरत दाता साहब लिखते हैं इन्न सफा सिफातुस सिद्दीके
इन अरदा सूफियन अलत्ता की, अगर तू सूफी बनना चाहता है, अगर तू अपने बातिन को तसव्वुफ से आरास्ता करना चाहता है, तो सिद्दीक अकबर की पैरवी करनी होगी। और फिर दादा साहब ने यही वाक्या लिखा है जो मैं कशफुल माजूब के हवाले से बयान कर रहा हूं। सैयदना फारूक आजम घर का आधा सामान ले आए, पर यारे गारे मुस्तफा सैयदना सिद्दीक अकबर घर गए, चादर बिछाई, सारा सामान जमा कर लिया है, और दीवारों पर कच्ची दीवारों पे हाथ फेरते हैं, कोई सुई ना रह जाए, कोई सुई ना रह जाए जो दीवार में लगी हुई हो। इस कदर एहतमाम किया कि घर का सारा सामान पहुंचाऊं, घर का सामान बांधा है, गठड़ी उठाने लगे हैं, ख्याल आया अबू बकर अभी तुम्हारे जिस्म पे लिबास मौजूद है, बस तन का लिबास भी उतार दिया है, एक टाट का बोरिया लिया है और उससे सतर ढांपा है और कांटे से बटन लगाए हैं, गठड़ी उठाई है, हजूर की बारगाह में आ गए हैं। हजूर ने फरमाया अबू बकर घर क्या छोड़ के आए हो? अर्ज किया अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ के आया हो। तसव्वुफ की रीत परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा और उसका रसूल। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जिब्रील जा और जाके मेरे महबूब की बारगाह में मेरा सलाम पहुंचा, और फिर मेरे महबूब के वसीले से यारे गार को भी मेरा सलाम पहुंचा, और जिब्रील जा पूछ के आ अबू बकर मुझसे राजी है या नहीं है। सैयदना जिब्रील अमीन आए, हजूर की बारगाह में सलाम पेश किया, हजूर अली सलातो सलाम ने देखा जिब्रील का लिबास ही जुदा है, जिब्रील आज कौन सा लिबास पहन रखा है, मेरा जे तसव्वुफ देखें कि जो लिबास सूफी के बदन पे आज जिब्रील ने भी वो पहन रखा है। इन्ना सफा सिफत सिद्दीक इन अरदा सूफियन अलत्ता की, हजूर अली सलातो सलाम ने फरमाया जिब्रील ये लिबास कैसा है? अर्ज किया या रसूल अल्लाह आज ऊपर निगाह उठाए, सातों आसमानों के फरिश्तों ने आपके यार वाला लिबास पहना हुआ, जो लिबास आज आपके यारे गार ने पहना है वही फरिश्तों ने पहन रखा है। और या रसूल अल्लाह, अल्लाह ये पूछ रहा है कि सिद्दीक अकबर से पूछे मुझसे राजी हैं या नहीं है, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तसव्वो बंदे को उस मेराज पे पहुंचा देता है कि फिर अल्लाह उस बंदे की रजा पूछ रहा है, खुदा उस बंदे की रजा को अपनी बारगाह में अहमियत देता है। सैयदना मूसा अली सलाम कोहे तूर की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में एक बुढ़िया औरत मिली, उसने अर्ज किया हजरत मेरी बहू के हां औलाद नहीं, अल्लाह ताला से पूछें कि उसकी किस्मत में औलाद है या नहीं। हजरत मूसा अलैहि सलाम कोहे तूर पे गए, अर्ज किया, वहां से जवाब मिला कि इसकी किस्मत में औलाद नहीं है। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने वापसी पे उस औरत को बता दिया। चंद सालों के बाद वो औरत आपसे मिली और उसने कहा हजरत आप तो कहते थे कि मेरी किस्मत में औलाद नहीं, लेकिन देखिए मेरे सेन में तो बच्चे खेल रहे हैं, अल्लाह ने औलाद अता फरमा दी है। हजरत मूसा अलैहि सलाम को हितूर पे गए, या अल्लाह अपनी हिकमतों से तू बेहतर आगाह वाकिफ है, पर ये तो बता मुझे फरमाया कि फलां औरत की किस्मत में औलाद नहीं जबकि आज वो औलाद वाली है। फरमाया प्यारे मूसा इसका जवाब बाद में मिलेगा, पहले जाओ जाके शहर में ऐलान करो अल्लाह ताला को इतना इंसानी गोश्त चाहिए, छुरी और बर्तन लेके फिरो, कौन है जो मुझे अपना गोश्त काट के देता है। हजरत मूसा फिरते रहे, कोई भी तैयार नहीं हुआ। लोगों ने कहा हम महंगे से महंगा जानवरों का गोश्त खरीद के आपको दे देते हैं, पर अपनी रानों से गोश्त नहीं काट के दे सकते, अपने पहलू से गोश्त नहीं काट के दे सकते। एक जवान ऐसा मिला, उसने कहा प्यारे मूसा आपको जितना गोश्त चाहिए मेरे वजूद से काट लें, पहले रब से ये तो पूछें वजूद के किस हिस्से का गोश्त काट के मैं पेश करूं। हजरत मूसा को हितूर पे आए,
या अल्लाह एक जवान तैयार हुआ और तो शहर में कोई नहीं तैयार हुआ, एक जवान तैयार हुआ पर वो पूछ रहे वजूद के किस हिस्से का गोश्त काट के पेश करो। अल्लाह ताला ने फरमाया प्यारे मूसा अगर ये जवान मुझसे कोई सवाल करे तो मुझे पूरा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अर्ज किया या अल्लाह जरूर पूरा करना चाहिए। फरमाया इसी ने दुआ मांगी थी या अल्लाह उस औरत को औलाद अता फरमा। इसकी दुआ पर हमने अपनी तकदीर को बदल दिया है। तकदीर मुअल्लक थी और जो तकदीरें मुअल्लक होती है वो सदके से या दुआ से टल जाती है। यमहुल्लाहु मा यशाउ व युस्बित व इंदहु उम्मुल किताब। तकदीरों वाली किताब अल्लाह की बारगाह में है। अल्लाह जिस तकदीर को चाहता है साबित रखता है, जिसे चाहता है मिटा देता है। गुजरात के गयूर मुसलमानों अगर अल्लाह किसी तकदीर को मिटाना चाहे कोई है जो अल्लाह से पूछ सके? कोई है जो पूछे कि या अल्लाह क्यों तकदीर मिटाई है? मेराज तसव्वुफ ये है कि खुदा अपने वलियों की दुआ पर तकदीरें बदल देता है। मेराज तसव्वुफ ये है कि खुदा फिर बंदे से पूछता है बता तेरी रजा क्या है। तसव्वुफ की मेराज का दूसरा पहलू, उसकी बुनियाद भी हदीसे पाक पर रख रहा हूं। हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील हाजिर हुए और हजूर से सवाल किए और हजूर ने जवाब दिए। उनमें से एक सवाल जो था वो इसी तसव्वुफ के बारे में था कि या रसूलल्लाह बताएं एहसान किसे कहते हैं। फरमाया अंताबुदल्लाह का अन्ना का तरा हो, अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया कि तुम उसे देख रहे हो। अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया कि तुम उसे देख रहे हो। और मैं इसका आसान तरीन तर्जमा करके आप तक पहुंचा रहा हूं। जब नमाज पढ़ने खड़े हो तो ये सोचें कि अगर मैंने अपने रब को देखा होता तो किस शौक से मैं नमाज पढ़ता। उस शौक को अपने दिल में पैदा करें कि गोया मैंने अपने रब को देखा है, उसका दीदार किया है। तसव्वुफ आदमी को इस मेराज पर पहुंचाता है। लफ्ज क्या है तसव्वुफ की? मेराज। हजूर अलैहि एक है मेराजुन नबी। मेरे और आपके आका रजब की 27वीं रात अल्लाह की बारगाह काबा कोसैन औदना खास कुर्ब में गए तो अल्लाह की जात का दीदार किया। अल्लाह की जात का दीदार किया। मा कज़बल फुआद मारा, हजूर ने अल्लाह की जात का दीदार किया। और जो तसव्वुफ के इन मरातब को इन दरजात को तय कर लेता है और तसव्वुफ की मेराज को पा लेता है फिर वो बंदा इस मकाम पे पहुंचता है। नबी नहीं, नबी का गुलाम है, नबी का गुलाम है। रेजा खारे दस्तरखाने नबुवत है पर इस मकाम पे पहुंचता है। अन ताबुदल्लाह कान्ना का तरा हो, अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया के तुम उसे देख रहे हो। मौलाए कायनात शेरे खुदा असदुल्लाहिल गालिब कूफे की जामिया मस्जिद में बैठे खुतबा दे रहे हैं। एक शख्स खड़ा हुआ कहने लगा है अली शेरे खुदा ये तो बताएं जिस रब को सजदा करते हैं कभी उसको देखा भी है? फरमाया है सवाल करने वालों सुनो, अली सजदा बाद में करता है, रब का दीदार पहले करता है। मर्तबाए एहसान ये है अंताबुदल्लाह का अन्ना का तरा हो, अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया के तुम उसे देख रहे हो। ऐसी हजूरी नसीब हो जाए, ऐसा इस्तिग्राक नसीब हो जाए, दिल में ऐसी कैफियत पैदा हो जाए, ऐसी हजूरी की नमाज। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो वाकिया करबला बयान की है उसमें आप फरमाते हैं 10 मुहर्रम फजर की नमाज जो हजरत इमाम अली मकाम ने पढ़ाई है वो इस तरह पढ़ाई है कि हमारे कदम तो करबला की जमीन पर थे पर सजदे अर्शे औला पर थे। दागे सजूद तेरी जमीन पर बना तो क्या। बाद लोग नमाजी सजदा करते हैं तो माथे पे नक्श बनता है सजदे का,
शायर ने कहा है, दागे सजूद तेरी जमी पर बना तो क्या, कोई तो ऐसा सजदा कर जमी पर निशान बने। ये मर्तबा एहसान है जो मुस्लिम शरीफ की हदीस से साबित है, और ये मर्तबा एहसान ही तसव्वुफ की मेराज है कि बंदा इस तरह अल्लाह की इबादत करे गोया अपने रब का दीदार कर रहा है। और इसी को हजरत मौला कायनात शेरे खुदा अली अल मुर्तजा करम अल्लाह वजल करीम ने फरमाया अली सजदा बाद में करता है, रब का दीदार पहले करता है। मैंने पहले उस हस्ती का जिक्र किया जो सहाबा के सरदार और जिनके निस्बत से सिलसिला नक्शबंदिया की निस्बत हजूर तक पहुंचती है, और अब उस हस्ती का जिक्र कर रहा हूं कि सिलसिला चिश्तिया कादरिया सोरवर्दिया जिस हस्ती के वजूद से हजूर तक पहुंचता है, मौलाए कायनात शेरे खुदा अली उल मुर्तजा करमल्ला हो वजल करी। कौन अली जिनका हाथ पकड़ के हजूर ने बुलंद फरमाया और फरमाया मन कुंत मौला हो फा अलीयुम मौला, जिसका मैं मौला उसका। सारे नहीं बोले, हजरत अली को मौला का लकब किसने दिया है? अगर किसी मुहक्किक ने यह लफ्ज दिया होता तो बहस की गुंजाइश थी कि हजरत अली को मौला कह सकते हैं या नहीं। अगर किसी मुफस्सिर ने यह लकब दिया होता तो बहस की गुंजाइश थी कि हजरत अली को मौला कह सकते हैं या नहीं। पर गुजरात के गयूर मुसलमानों, हजरत अली को मौला का लकब किसी मुहक्किक ने नहीं दिया, किसी मुफस्सिर ने नहीं दिया, किसी मुहद्दिस ने नहीं दिया, किसी मुसन्निफ ने नहीं दिया, किसी गौस कुतब और अबथाल ने नहीं दिया। हजरत अली को मौला का लकब किसी ताबई ने नहीं दिया, किसी सहाबी ने नहीं दिया, बल्कि अली को मौला का लकब उस जुबान से मिला है जिस जुबान पर खुदा बोलता है। जिस जुबान की सच्चाई को, जिस जुबान की अजमत को मानकर मैं और आप मुसलमान कहलाते हैं, उस पैगंबर ने फरमाया और हाथ बुलंद करके फरमाया मन कुंत मौला हो फालियो मौला, जिसका मैं मौला उसका, जिसका मैं मौला उसका। वो हजरत अली शेरे खुदा फरमा रहे हैं, फरमाते हैं मैं नमाज पढ़ता हूं तो कैफियत क्या है। हजरत अली को तीर लगा है पैर में, और ये वो जमाना है जब खून के जारी होने को नजस करार नहीं दिया गया, उस वक्त की बात है। हजरत अली के कदम में तीर लगा है, आपके असहाब साथी निकालने की कोशिश करते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। आप फरमाते हैं ठहर जाओ मैं नमाज शुरू करता हूं, तुम तीर निकाल। और आप नमाज पढ़ते हैं, आपके रफका उस तीर को निकाल लेते हैं, और आप नमाज से फारग होकर पूछते हैं तीर निकाल लिया? वो कहते हैं निकाल लिया है। ऐसी इस्तिगराक की कैफियत तारी होती। हजरत अली मस्जिद से बाहर हैं, चेहरा सुर्ख सफेद, मस्जिद में कदम रखते हैं चेहरा जर्द हो जाता है। असहाब पूछते हैं हजरत ये कैफियत बदल क्यों गई? फरमाते हैं मस्जिद में पैर रखता हूं तो आकमल हाकिमीन की बारगाह की खास हजूरी की कैफियत तारी हो जाती है, और अली का रंग जर्द हो जाता है कि किस बादशाहों के बादशाह के दरबार में हाजिर हो रहा। हजरत अली शेरे खुदा जो सलासले औलिया के पेशवा हैं, जिनके नाम का वजीफा ख्वाजे ख्वाजगान जप रहे हैं कि अली इमाम मनस्तो मनम गुलामे अली, हजार जाने गिरामी फिदा बनामे अली, बड़े बड़े औलिया जिनके नाम का वजीफा जप रहे हैं, उनकी हजूरी की कैफियत क्या है? वो तसव्वुफ की किस मेराज पे फायज हैं? मस्जिद में कदम रखते हैं तो फरमाते हैं आकमल हाकिमीन की बारगाह में पेशी के तसव्वुर से मेरा रंग सर्द हो जाता है। और नमाज में इस्तिगराक ऐसा है कि आपके पैरों से तीर खींच के निकाल लिया जाता है। आप फरमाते हैं मुझे कोई अजियत और कोई दर्द और कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही। ऐ काश हमारी नमाजें भी तसव्वुफ की इस मेराज से आरास्ता हो जाएं। ऐ काश हमारी नमाजें भी
मेराज तसव्वुफ के हवाले से दो नुक्ते मैंने आपके सामने बयान किए हैं। तसव्वुफ की पहली मेराज, बंदा इस बुलंदी पे अल्लाह के इतना करीब, अल्लाह के ऐसे कुर्ब पे फायज हो जाता है कि अल्लाह फरमाता है बता तेरी रजा क्या है। और दूसरी मेराज ये है कि बंदा इबादत में हजूरी और इस्तिग़राक की कैफियत में मुशर्रफ होता है, मुजय्यन होता है, कि फिर वो बंदा जब इबादत करता है तो गोया अपने रब का दीदार कर रहा है। तसव्वुफ की मेराज का तीसरा पहलू कि वो बंदा जिसका दिल रोशन है। कुछ ऐसे हैं जिनको ख्वाब में पहले अंबिया की ज्यारतें होती हैं, हजूर की ज्यारत होती है, पर कुछ ऐसे हैं जिनको जागते हुए हजूर की ज्यारत नसीब हो जाती है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने इहयाए उलूमुद्दीन, कीमियाए सादत, इनका पहला चैप्टर जो दिल के बारे में है उसके अंदर लिखा है, फरमाते हैं कि दिल को साफ करने का फन सीखो, जिसने अपने दिल को चमका लिया वो जागते हुए फरिश्तों का दीदार भी करता है और अंबिया का दीदार भी करता है। दुनियाए तसव्वुफ के इमाम शहनशाह बगदाद सैयदना गौसे आजम शेख अब्दुल कादर जीलानी रदी अल्लाह तआला अन्हो, आप वाज फरमा रहे हैं और आपके सामने अली बिन हयती बैठे हैं। अब खतीब के सामने बैठा हुआ आदमी सो जाए तो बयान करना बड़ा मुश्किल, पर हर किसी के अपने अपने तासुरात होते हैं। हजूर शहनशाह बगदाद के सामने हजरत अली बिन हयती बैठे हैं, सो गए। शहनशाह बगदाद मिंबर से नीचे उतरे और दस्त बस्ता उनके सामने खड़े हो गए। कलायदुल जवाहिर में है, उस दिन 10,000 का मजमा था और लोग हैरान हैं कि शहनशाह बगदाद मिंबर से नीचे उतर के अली बिन हयती के सामने हाथ बांध के क्यों खड़े हो गए, जबकि वो सोए हुए हैं। और वो सोए हुए थे, घुटनों पे हाथ रखे, झटका लगा, आंख खुली, देखा हजरत गौसे आजम खड़े हैं और दस्त बस्ता खड़े हैं। अली बिन हयती भी फौरन खड़े हो गए और हाथ जोड़ के अर्ज किया, हजरत आपने वाज क्यों छोड़ दी है और मेरे सामने क्यों खड़े हो गए हैं। फरमाया अली बिन हयती बता, तुझे हजूर की जियारत हो रही थी या नहीं हो रही थी। ऐ अली बिन हयती, इस मजलस वालों को, महफल वालों को बता कि तुम्हें हजूर की जियारत हो रही थी या नहीं। अब कलाइदुल जवाहिर में है, अली बिन हयती ने 10,000 के मजमे के सामने बयान किया कि मैं जो कुछ ख्वाब में देख रहा था, गौसे आजम बेदारी में देख रहे थे, मैं जो कुछ ख्वाब में देख रहा था शहनशाह बगदाद खुली आंखों से देख रहे थे। हजरत गौसे आजम ने फरमाया, अली बिन हयती ये भी बता कि मेरे आका तुझे हुक्म क्या देके गए हैं। अली बिन हयती ने कहा, लोगों सुनो, हजूर मुझे हुक्म ये देके गए हैं, ऐ अली बिन हयती, जब मेरे दीदार की ख्वाहिश हो तो मेरे बेटे अब्दुल कादिर की महफल में आ जाया कर, तू इस महफल में आएगा मुझे भी यहां मौजूद पाएगा। तसव्वुफ की मेराज क्या है कि वली की महफल नबी की महफल बन जाती है। वली की महफल, महफल वली की है, पर वली के सीने से जो फैज जारी हो रहा है वो गुंबदे खजरा से आ रहा है। हजरत अली बिन हयती ने फरमाया, मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, ए अली बिन हयती, जब मेरे दीदार की ख्वाहिश हो मेरे बेटे अब्दुल कादिर की महफल में आया कर, मुझे भी यहां मौजूद पाएगा। तो गोया तसव्वुफ की मेराज ये है। इस वाक्या से भी दो अजमतें सूफियाए किराम की सामने आती हैं। एक तो जो कुछ हजरत अली बिन हयती ख्वाब में देख रहे थे, गौसे आजम जागते हुए देख रहे थे, बेदारी के आलम में देख रहे थे। और दूसरी अजमत ये कि वली की महफल, वली की महफल हजूर अलैहिस्सलाम की महफल है। मैंने अक्सर बयान किया है, लेकिन आज बयान करते हुए उस मकाम पे पहुंचा हूं कि अगर उस वाक्या की आपको याद दिलाऊं तो आसानी से आप मेरा मजमून समझ जाएंगे। मियां शेरे मोहम्मद शरकपुरी का दरबार है, एक बदअकीदा आदमी आया जो वलियों की शान नहीं मानता था, असाबे तसव्वुफ के खिलाफ।
दरबार को देखा वापस जाने लगा तो मियां साहब ने अपने दरवेश को भेजा, फरमाया जाओ मौलवी साहब को बुला के लाओ। मौलवी साहब आ गए, फरमाया मौलाना किधर आए थे? उनका सच्ची बात है मैं वलियों को नहीं मानता, मैं तो सिर्फ वो जाल देखने आया था जिसमें आप लोगों को फंसाती है। क्या देखने आया हूं? फरमाया तूने वो जाल नहीं देखा, बैठ जा, हमारा मेहमान है, कुछ खा पी फिर इस मौजू पे बात करेंगे। मौलवी साहब चौकड़ी मार के चार जानू बैठ गए। आपने दरवेशों से कहा लंगर लेके आओ, दरवेश लंगर लेके आए, मिट्टी के प्याले में पानी। आपने अपने हाथों से वो प्याला पकड़ाया और फरमाया लो मौलाना पानी पियो। मौलवी साहब ने वो पानी का प्याला पकड़ा, मुंह के करीब लेके गए कि मियाँ साहब ने उनके घुटने पे हाथ रखा और घुटना हिला के कहा मौलाना जरा होश से पानी पीना, जरा ध्यान से पानी पीना। अब मौलवी साहब की नजर पानी पे है, मियाँ साहब का हाथ उनके घुटने पे है। मियाँ साहब ने घुटने से हाथ उठाया, मौलवी साहब ने पानी से नजर उठा ली। मियाँ साहब ने घुटने पे हाथ रखा, मौलवी साहब ने घुटने मौलवी साहब ने पानी से नजर उठा ली। अब सूरत हाल यह है कि मियाँ साहब घुटने पे हाथ रखते हैं तो मौलवी साहब पानी पे नजर जमा लेंगे, मियाँ साहब हाथ उठाते हैं तो मौलवी साहब पानी से नजर उठा लेंगे। चौथी बार जब मियाँ साहब ने घुटने से हाथ उठाया तो मौलवी साहब ने कहा खुदा के लिए मेरे घुटने से हाथ ना उठाए, मेरे घुटने पे हाथ रखे। आपने फरमाया क्यों? उसने कहा खुदा की कसम है जब आप मेरे घुटने पे हाथ रखते हैं मुझे पानी की लहरों में तस्वीर मुस्तफा नजर आती है, हजूर का चेहरा नजर आता है, जियारत शुरू हो जाती है। और जब आप हाथ उठा लेते हैं जियारत खत्म हो जाती है। आपने फरमाया मौलाना तुम जाल देखने आए थे, ये है वो जाल जिसमें हम लोगों को फंसा रहे हैं। तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। तुम जाल देखने आए थे, ये है वो जाल। करीब होता है हजूर की उतना ही ज्यादा फैजान तकसीम होता है। दुनियाए इल्म के बहुत बड़ी मारूफ शख्सियत जिन्हें अल्लामा इकबाल भी अपना मुर्शिद कहते हैं, मुर्शिद रूमी, हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, तसव्वुफ की मेराज का चौथा नुक्ता आपके सामने बयान कर रहा हूं कि तसव्वुफ लोगों के अंदर को बदलना। जहां से मैंने गुफ्तगू शुरू की थी, मिजाज को बदलना, दिल की कैफियत को बदलना। अगर कभी दिल बड़ा परेशान हो ना, बड़ी जिम्मेदारी से बयान कर रहा हो और अपनी जिंदगी भर के मुतालिया का निचोड़ आपके सामने रख रहा हो, दिल बड़ा परेशान हो वजू करके शदौला साहब मिजार पे जाके बैठे, दिल की कैफियत ना बदली तो आपका हाथ और इसना चीज का गिरेबान। दिल बड़ा परेशान हो किसी मर्द दरवेश के मिजार पे जाके बैठ जाए, औलिया के मिजार पे जाके बैठने से भी दिल की हालत बदल जाती है। हजरत जनाब जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह तालाब के किनारे बैठे दर से हदीस दे रहे हैं। शाह शम्स तबरेजी आए, शाह शम्स तबरेजी फटे पुराने कपड़े, आज फकर वाला आया है इल्म वाले के पास और दिल वाला आया है जुबान वाले के पास। हजरत शाह शम्स तबरेजी ने आके फरमाया ई चीज़ मौलाना क्या कर रही हो? अर्ज किया पढ़ा रहा हूं। फरमाया मुझे भी कुछ पढ़ के सुनाओ। पूछा आप क्या सुनेंगे? फरमाया किताब मुझे दो, मैं बताता हूं मैंने क्या सुनना है। उन्होंने किताब पकड़ा दी, शाह शम्स तबरेजी सफे उलटते गए, एक वरक पे उंगली रखी, कहा मौलाना ये हदीस पढ़ के सुनाओ। मौलाना रूम ने देखा कि कौन सी हदीस है जिस पर शाह शम्स तबरेजी ने उंगली रखी है, तो हदीस थी मूतू अंतुम कबला अंत मूतू, मरने से पहले मर जाओ, मरने से पहले मर जाओ। अब ये हदीस पढ़ी जनाब शाह शम्स तबरेजी ने, मौलाना रूम ने,
शाह शम्स तबरेजी ने कहा मौलाना तर्जमा करके दिखाओ, उन्होंने तर्जमा कर दिया, मरने से पहले मर जाओ। शाह शम्स तबरेजी ने कहा मौलाना तर्जमा कर दिया, अब जरा ये भी बताओ मरने से पहले मरने का तरीका क्या है, रास्ता क्या है, किस तरह हम मरने से पहले मर सकते हैं। मौलाना रूम इस राह के राही नहीं थे, उन्होंने कहा बाबा जी ये पढ़ने पढ़ाने की बातें हैं, आप नहीं जानते। इंकालस्तु नमी दानी, मेरे और आपके आका अली सलातो वस्सलाम नमाज अदा फरमाते हैं तो हजूर के नमाज की एक जाहिरी कैफियत है कि नमाज में हजूर ने हाथ कहां रखे, कयाम में हजूर किस तरह खड़े हुए, हजूर ने रकू किस तरह किया, हजूर ने सजदे किस तरह किए, हजूर तशाहुद किस तरह बैठे, ये हजूर की नमाज की जाहिरी कैफियत है। और हजूर जब कयाम में खड़े थे तो दिल में जज्बा क्या था, रकू कर रहे थे तो दिल में लिल्लाहियत क्या थी, ये नमाज की बातनी कैफियत है। अल्लाह ने हजूर के जाहिर और बातिन दोनों को महफूज रखा और दोनों को उम्मत में जारी रखा। हजूर के जाहिर को उम्मत में महफूज रखने के लिए उलमा की ड्यूटी लगा दी। हजूर की नमाज की जाहिरी कैफियत को देखना है तो फिका की किताबें उठा के देख लें, और इबादत के दौरान हजूर के दिल में जो कैफियत होती थी उन कैफियत की खुशबू को पाना है तो सूफिया के सीनों को देख लें। ये जो सिलसिले हैं, नक्शबंदी है, कादरी है, चिश्ती है, सोहरवर्दी है, ये सिलसिले कैसे बने हैं कि सहाबा ने हजूर से और फिर सहाबा से ताबईन ने, ताबईन से फिर तबा ताबईन ने हजूर की इबादत की उन बातनी कैफियत को हासिल किया है, हजूर से इबादत की कैफियत को सीखा है तो फिर वो उम्मत में आगे चली हैं। अल्लाह ने हजूर के जाहिर और बातिन दोनों को उम्मत में महफूज रखा है, दोनों को उम्मत में जारी रखा है। इसलिए तसव्वुफ मकासिदे रसालत में से है। हजूर जिस मकसद के लिए दुनिया में तशरीफ लाए, तसव्वुफ का मकसद हजूर अलैहिस्सलाम के मकसद को ही दुनिया में आम करना है। इसीलिए तारीख उठा के देख लें, सियासत की दुनिया में जब हमारे बादशाह काफिरों से जंगें हार गए, मसलन तातारियों की तारीख पढ़ के देख लें, जब तातारियों के साथ जंग में मुसलमान बादशाह हार गए तो सियासत के मैदान में जब काफिरों ने हमसे तख्त और ताज छीन लिए तो उस हारी हुई जंग को सूफिया ने जीत के दिखाया है, उस हारी हुई जंग को सूफिया ने दोबारा जीत के दिखाया है, क्योंकि सूफिया का जो बातिन है वो हुस्ने रसूल से मुजय्यन होता है। और आखिरी बात कर रहा हूं तसव्वुफ की मेराज के हवाले से, जितनी शाने अल्लाह ने हजूर को अता फरमाई है कोई गिनना चाहे तो गिन सकता। जनाबे आला हजरत ने क्या खूब कहा, सरवर कहूं कि मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ है बेतनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाहा मैं क्या क्या कहूं तुझे। आखिर रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। हजूर की सिफतों को कोई गिन नहीं सकता। और गुजरात के गयूर और बाशऊर मुसलमानों ये बताओ, किसी सिफत पे हजूर ने फख्र भी किया है? फख्र भी किया है कि मुझे फख्र है कि मैं नबियों का इमाम हूं? हजूर ने फख्र फरमाया, ना हामिल ओलीवाइल हमदे वाला फखरा, हम का झंडा मेरे हाथ में होगा पर मैं इस पे फख्र नहीं करता। अना अव्वलो शाफीन व अव्वलो मुशफ्फीन वाला फखरा, फरमाया मैं सबसे पहले शफात करने वाला और सबसे पहले मेरी शफात कबूल होगी पर मैं इस पे फख्र। अना खतीबुल अंबिया वाला फखरा, फरमाया मैं नबियों का खतीब हूं पर मैं इस पे फख्र। अना अव्वलो मन युहर्रिका हलकतल जन्नत वला फखरा, फरमाया मैं जन्नत का दरवाजा खटखटाऊंगा, मैं जन्नत का दरवाजा खुलवाऊंगा पर मैं इस पे फख्र। हजूर को अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई पर हजूर किसी शान पे फख्र नहीं करते, सूरज को वापस पलटाने पे फख्र नहीं करते, चांद दो टुकड़े करने पे फख्र नहीं करते, पत्थर को पानी पर तैरा रहे हैं पर फख्र नहीं करते, पत्थरों से कलमा पढ़वा रहे हैं पर फख्र नहीं करते, दरख्त को जमीन पे चला रहे हैं
पर फकर नहीं करते। अल्लाह ने बेशुमार शाने अता फरमाई पर फकर नहीं करते। या रसूल अल्लाह किसी सिफत पे फकर नहीं, क्या कोई ऐसी शान भी है जिस पे आपने फकर किया हो? फरमाया हाँ हाँ सुनो, अल फकरो फखरी, अगर मुझे फकर है तो अपनी दरवेशी पे फकर है, अगर मुझे फकर है तो अपनी फकीरी पे फकर है। इसलिए दरवेशे खुदा मस्त और सूफिये बासफा अगर फकरे मुहम्मदी पे फकर करता है तो वो फकर कर सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हजूर ने इलम पे फकर नहीं किया, पत्थर तैराने पे फकर नहीं किया, दरख्त चलाने पे फकर नहीं किया, लेकिन फरमाया अल फकरो फखरी। कितना उरूज मिल गया इस लफ्ज से तसव्वुफ को। फकर है मीरों का मीर, फकर है शाहों का शाह, फकर के हैं मोजज़ात ताजो सरीरो सिपा। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे अपनी दरवेशी पे फखर है, मुझे अपनी फकीरी पे फखर है। और इसीलिए तो माइकल एचार्ट ने लिखा, जब उसने सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट मेरे और आपके आका का जिक्र किया अपनी किताब में, तो लोगों ने एतराज़ किया कि तुमने हजूर का जिक्र, पैगंबर इस्लाम का जिक्र पहले नंबर पे क्यों किया? तो माइकल एचार्ट ने कहा, मैंने बादशाहों की तारीख पढ़ी तो दो चीज़ें नजर आईं, तख्त और ताज। मैंने नबी बादशाहों की तारीख पढ़ी, जो नबी भी हैं और बादशाह भी हैं, वहां भी तख्त नजर आए। हजरत सुलेमान, एक नहीं बल्कि दो तख्त हैं आपके पास, एक अपना तख्त है, दूसरा माशाल्लाह आपको इल्म है तख्ते बिल्कीस का आवाज मैंने सुनी, उसमें भी तसव्वुफ की मेराज है, लेकिन मैं उस तरफ नहीं गया कि सूफी की मेराज क्या है, जो कह रहा है قال الذين ذو العلم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك, जो 1600 मील दूर तख्त पड़ा हुआ है, वली कहते हैं मैं पलक झपकने में ला सकता हूं, एक सेकंड में ला सकता हूं, आनन फानन ला सकता हूं। हालांकि पहले आप कभी मुल्के सबा गए नहीं, वो शहर देखा ही नहीं, वो तख्त देखा हुआ ही नहीं, वो महल ही नहीं देखा जिसके अंदर तख्त पड़े, पर दावा कितना किया है मैं एक सेकंड में ला सकता हूं, और फिर ला के भी दिखाया है। हजरत सुलेमान के पास एक नहीं दो तख्त, हजरत यूसुफ अली सलाम के पास भी तख्त। माइकल एचार्ट कहते हैं वो नबी जो बादशाह गुजरे हैं, मैंने उनकी तारीख पढ़ी तो वहां भी तख्त नजर आए। अब मैंने सोचा इस हवाले से तारीख को पढ़ूं, कोई ऐसा भी है जो बादशाह भी हो, हुक्म भी चलता हो, पर वो तख्त पे ना बैठा हो। कहता मुझे एक ऐसी हस्ती नजर आई है जिसका हुक्म इंसानों पर ही नहीं, जिन्नों पर भी चलता है, फरिश्तों पर भी चलता है, बादलों पर भी चलता है, हवाओं पर भी चलता है, जो दो जहान का बादशाह है, पर मस्जिद नबी की चटाइयों पर बैठा हुआ है। माइकल एचार्ट कहते हैं मुझे ऐसा बादशाह तो दिखाओ जो वक्त का हुक्मरान भी हो और गरीबों की गठड़ियां उठा के उन्हें मंजिल तक पहुंचा रहा हो। इसलिए हुजूर ने फरमाया मुझे अपनी दरवेशी पर, मुझे अपने फकर पर। तो सिर्फ तो वो अपनानी चाहिए ना जिस पर फखर हो सके। हजूर अलैहिस्सलाम ने अगर फखर किया है तो फकर पे किया है, अपनी दरवेशी पे किया है, अपनी बंदगी पे किया है। दुआ है अल्लाह ताला हमें सूफियाए किराम की तालीमात को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अगर दीन का निचोड़ है, मगज है, तो सूफियाए किराम की तालीमात में से है। और जो लोग इस राह के राई नहीं बने वो ये एतराज कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ पुछ ओ नानू जिना पीती ये, फिर ओ नाल की बीती ये। तौहीद मता ईस्त के बरदार फरोशन, गुल नेस्त के दर कूचा ओ बाजार फरोशन। जो इस राह के राही हैं उन्हीं से पूछो कि इस राह में क्या क्या अजमतें हैं। कुरान पाक ने कहा वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारे रास्ते में मुजाहदा करते हैं हम उनके लिए मुशाहदे के दरवाजे खोल देते हैं। सुभानअल्लाह। अल्लाह ताला इस दौर की फितनों से हमें महफूज फरमाए। और इस दौर का बहुत बड़ा फितना यह है कि लोगों को सूफियाए किराम की तालीमात से दूर किया जाए। यहाँ बर्रे सगीर में इस्लाम किसने फैलाया है? सूफियाए किराम ने फैलाया है। दुनिया के कोने कोने में सूफियाए किराम हजूर का पैगाम लेके गए हैं। तसव्वुफ की मेराज के चार पांच पहलू मैंने आपके सामने बयान किए हैं, उनका तकरार नहीं चाहता।
उन सब का निचोड़ ये है कि तसव्वुफ बंदे को बंदाए मुर्तजा बना देता है। और बंदाए मुर्तजा का मतलब यह है कि ऐसा बंदा जिस पर अल्लाह राजी होता है। तसव्वुफ बंदे को इस रंग में रंग देता है कि फिर उस बंदे पे खुदा राजी होता है। और यही जिंदगी का मकसद है कि बंदा ऐसी जिंदगी गुजार के जाए कि जब दुनिया से जा रहा हो तो बकौल आरफे खड़ी, वाह वाह मौत मोहिबा वाली ते विच इश्क दे मरना, वाह वाह मौत। ये वाह वाह जो आपने करनी है मेरे लिए नहीं करनी, बल्कि औलियाए किराम की मोहब्बत के लिए करनी है। वाह वाह मौत। आरफे खड़ी ने ये नहीं लिखा नमाजियां वाली, वाह वाह मौत कारियां वाली, वाह वाह मौत हाफिजा वाली। क्यों? इसलिए कि मोहब्बत नहीं तो नमाज भी कबूल, मोहब्बत नहीं तो तिलावत भी कबूल। लफ्ज वो लिखा है जो सारी इबादत की जान है, वाह वाह मौत मोहिबा वाली ते विच इश्क दे मरना, मरन तू पहले राजी हो गए ते इजराइल की करना। मरन तू पहले राजी हो गए, तसव्वुफ बंदे को बंदा मुर्तजा बना देता है। फिर जब उस बंदे पे विसाल का वक्त आता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से सदा आती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिक राधियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। मुझे दोस्तों ने चंद सवालात भी दिए, इसलिए मैंने गुफ्तगू को समेटा है। किसी दोस्त ने यही कब्रों पर जाने के हवाले से सवाल किया है, तो याद रखें कि हम कब्रों पर जो जाते हैं इससे शिर्क करते नहीं बल्कि शिर्क मिटाते हैं। शिर्क किसे कहते हैं? किसी को अल्लाह का सांझा करना, अल्लाह के बराबर करना। तो क्या अल्लाह को मौत आएगी? अल्लाह की कब्र बनेगी? तो जब हम किसी वली की कब्र पे जाते हैं तो मानते हैं ये अल्लाह नहीं, अगर ये अल्लाह होते तो इनकी कब्र ना बनती। अगर हम उन्हें अल्लाह मानते तो फिर उनकी कब्रें ना बनाते। हम मानते हैं ये अल्लाह नहीं, अल्लाह वाले हैं। अल्लाह नहीं बल्कि अल्लाह वाले हैं, क्योंकि अल्लाह तो मौत से पाक है, अल्लाह की तो कब्र नहीं बनेगी। इसलिए जब हम औलियाए किराम की कब्रों पे जाते हैं तो मानते हैं कि ये अल्लाह वाले हैं, ये अल्लाह नहीं है, ये मौत के दरवाजे से गुजरे हैं, अब इनकी कब्र बनी है। और औरतों का कब्रिस्तान जाने के हवाले से ये मसला याद रखें कि औरतें पर्दा करके कब्रिस्तान जा सकती हैं। हमारे नजदीक औरतों का कब्रिस्तान जाना जायज है, बशर्ते कि फितने का बायस ना हो, यानी खुशबू लगा के ना जाएं, झनकार वाला जेवर ना पहन के जाएं और पर्दा करके जाएं। इसकी दलील ये है, एक तो मुतलकन हजूर ने फरमाया नहाई तो कुमन जियारत कबूर फजूरूहा, इसमें मर्द और औरतें सारे शामिल हैं, कि मैं तुम्हें कब्रों पे जाने की इजाजत देता हूं, इस इजाजत में मर्द और औरतें सारे शामिल। दूसरा ये कि हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह मैं कब्रिस्तान जाऊं तो कौन सी दुआ पढ़ा करूं? हजूर ने उनको दुआ सिखाई। अब अगर औरतों ने कब्रिस्तान जाना ही नहीं तो हजूर हजरत आयशा सिद्दीका को मना कर देते, तुम औरत हो, औरतों ने कब्रिस्तान जाना ही नहीं, मैं तुम्हें दुआ क्यों सिखाऊं? पर हजूर ने मना नहीं किया बल्कि हजूर ने दुआ सिखाई है। जब हजूर ने दुआ सिखाई है तो पता चला कि औरतों का कब्रिस्तान जाना, अगर औरतों का कब्रिस्तान जाना जायज ना होता तो हजूर हजरत आयशा सिद्दीका को दुआ ही ना सिखाते और उन्हें इस तरह ही मना कर देते कि तुमने कब्रिस्तान जाना ही नहीं तो फिर मैं दुआ तुम्हें क्यों सिखाऊं। पर हजूर ने हजरत आयशा सिद्दीका को कब्रिस्तान जाने की दुआ सिखाई है, उससे पता चला कि औरतों का कब्रिस्तान जाना जायज है। और इसी तरह सैयदाए निसाइल आलमीन हजरत सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा शुहदाए ओहद की कब्रों पर जाती थी, शुहदाए ओहद के मज़ारात पर आप हाजिरी देती थी। और हजरत आयशा सिद्दीका मक्के आई रजी अल्लाह ताला अन्हा, मक्के आई तो अपने भाई अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर की कब्र पे आप आई, उनके मज़ारे मुबारक पे आई। तो इससे पता चला, मैंने उन इस्लाम की अजीम खवातीन का हवाला आपके सामने दिया है जो उस घर से ताल्लुक रखती हैं जहां दीन उतर रहा है। एक उम्मुल मोमिनीन है
दूसरी बिनते रसूल है। ये जब मिजारात पे जा रही हैं तो पता चला कि औरतों का कब्रिस्तान जाना जायज है, बस शर्त यह है कि वो पर्दे के साथ जाएं और फितने का बायस ना बने। पर एक बात यह भी बड़ी काबिले गौर है, ये भी तकरीबन 15-16 साल हो गए हैं इस तबलीगी जिंदगी में, पर आज तक मुझसे किसी ने यह नहीं पूछा कि औरतों का बाजार जाना जायज है या नहीं। जब भी पूछा है यही पूछा है, औरतों का कब्रिस्तान जाना जायज है या नहीं। भाई कभी यह भी पूछ लें कि औरतों का बाजार भी जाना जायज है या नहीं। क्या ख्याल है आपका, इस दौर में यह सवाल पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? किसी को यह ख्याल नहीं आता कि औरतों का बाजार जाना भी जायज है या नहीं, या किस तरह जा सकती हैं या नहीं। कभी किसी ने यह नहीं पूछा औरतों का मेहंदी की रस्म में जाना जायज है या नहीं। यही पूछते हैं औरतों का कब्रिस्तान जाना जायज है या नहीं। पहले यह तो फिक्र, कब्रिस्तान जाएंगी तो कोई आखिरत ही को याद करेंगी, कब्रिस्तान जाएंगी तो कोई मौत को याद करेंगी, या किसी वली के मजार पे जाएंगी तो कोई अपनी आखिरत ही संवारेंगी, बशर्ते के शरीयत के आदाब को पेश नजर रख के जाएं। लेकिन मेहंदियों की रस्मों पे जाएंगी तो अपनी आखिरत ही बर्बाद करेंगी। और बाजार में अगर ओरिया लिबास पहन के जाएंगी तो मैं अक्सर कहता हूं कि वो औरत जो, वो बेटी जो नंगे सर बाजार फिरती है, वो इस बात का ऐलान कर रही होती है कि मेरे बाप में गैरत नहीं रह गई। अगर मेरे बाप में गैरत होती तो मुझे नंगे सर बाजार में ना फिरने देता। और वो बहन जो नंगे सर सड़कों पे फिर रही है, वो इस बात का ऐलान कर रही है कि मेरे भाई में गैरत नहीं रह गई। अगर मेरे भाई में गैरत होती तो अपनी बहन को नंगे सर बाजारों में ना फिरने देता। आए आज अपनी गैरतों को, अपनी गैरतों को बेदार करके इस मुआशरे से अपने घर वालों को तहफ्फुज़ दें, और इस दौर के सैलाब से, जो बेहयाई का सैलाब आया है, उससे अपने घरों को बचाएं।